तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली थी दिल्ली शराब केस में। 6 महीने से जेल में बंद थे संजय सिंह। आज संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, रिहा होंगे। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में। मनीष सिसोदिया लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है वो ईडी की गिरफ्त में। लेकिन संजय सिंह के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा जमानत का, तो वहां पर ईडी की टीम ने कोई विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से संजय सिंह को जमानत मिल गई है और आज तिहाड़ जेल से संजय सिंह बाहर आएंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक बड़े फायर ब्रांड नेता है। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह हमेशा सरकार पर, बीजेपी पर बड़ी ही प्रखरता के साथ, प्रचंडता के साथ हमला और प्रहार करते हुए नजर आते थे। अब देखना यह है कि इस मामले में 6 महीने जेल काटने के बाद संजय सिंह का कौन सा रूप, क्या वही आक्रामकता, क्या वही राजनीति के तीखे तेवर, वही तीखे सवाल हमें संजय सिंह से देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोर्ट ने संजय सिंह पे कई तरह की पाबंदियां लगा दी है कि ईडी की जांच पर आप बाहर बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। संजय सिंह जहां भी जाएंगे उनको अपनी लोकेशन अधिकारियों को बतानी होगी। संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। तो बेल की शर्तों के साथ ही ये ट्रायल कोर्ट होगा। संजय सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था दिल्ली शराब नीति में। ये 6 महीने से ईडी की गिरफ्त में चल रहे थे और 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए थे। बहरहाल क्या क्या शर्तें हैं वो टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि जांच में संजय सिंह को पूरा सहयोग करना होगा। जमानत आपको मिल गई है, शराब केस में किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उम्मीदें और इंतजार यही था कि बाहर आने के बाद संजय सिंह इस मामले पर कुछ बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शर्त भी है कि आप दिल्ली एनसीआर छोड़ नहीं सकते हैं, जांच अधिकारी के साथ आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी होगी और जांच अधिकारी के संपर्क में आप हमेशा लगातार बने रहेंगे। और साथ में ये देखिए कि जांच में आपको पूरा सहयोग करना होगा। तो देखना यह है कि तिहाड़ जेल से जब संजय सिंह आएंगे, अभी तक जो खबर सामने आई है संजय सिंह की पत्नी के द्वारा भी ये खबर दी गई है कि संजय सिंह बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे, वहां पर संजय सिंह इस मामले पर क्या कहते हैं। संजय सिंह की जमानत के बाद ये जो एक राजनीतिक लड़ाई चल रही है लोकसभा चुनाव 2024 की, इसमें क्या दिशा अब नजर आती है, क्या मोमेंटम नजर आता है, देखने वाली बात होगी।